नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। दिन पर दिन महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये बोझ जनता पर ही है। बस जहां कोरोना काल में लोगों से रोजगार छिन गया, तो वहीं अब महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का तेल निकाल दिया। सब्जी, सरसों का तेल, गैस सिलेंडर, दाल और मसालों के बढ़ते दामों ने गृहणियों का बजट बिगाड़ दिया। जुलाई के महीने में सातवीं बार पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल के दाम बढ़े। हालांकि डीजल के दाम आज थोड़े से घटे। देश के चारों मेट्रो शहरों में पेट्रोल का रेट 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। लखनऊ में 27 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 26 पैसे हो गई। जो सरसों का तेल 100 से 120 रुपए प्रति लीटर चल रहा था, वो अब 180 से 200 रुपए के आसपास बिक रहा है। इसी तरह सब्जी से लेकर दाल, चावल, सब कुछ महंगा हो चुका है। जहां 2014 में 400 से 500 रुपए का गैस सिलेंडर था, वो अब किस तरह से 800 रुपए के पार भी पहुंच चुका है, हम सभी जानते हैं। और महंगाई बढ़ने पर बीजेपी जबरदस्त हंगामा कर रही थी, 2014 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में गैस सिलेंडर 850 का है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है और लोगों की आय अपने निम्न स्तर पर। लोगों की थाली से खाना तो बच्चों की बोतल से दूध गायब हो गया। सरकार की बात करें तो चुनावी मौसम चल रहा है साहब। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरह से खरीद फरोख्त हुई, कैसे पैसा बहाया गया, सभी ने देखा। सरकार पूरी तरह से उसमें व्यस्त नजर आई, लेकिन जनता किस तरह महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, यह कोई नहीं देख रहा। महंगाई जैसा मुद्दा सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर भी रहा है तो उसे डंडे के बल पर खदेड़ दिया जाता है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। गरीब और मध्यम वर्ग सरकार से लगातार पूछ रहा है कि कब इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा, लेकिन इस यक्ष प्रश्न का उत्तर उसे शायद चुनाव के वक्त मिले, या फिर मिले भी ना, क्योंकि अब तो हमें इसकी आदत हो चुकी है। महंगाई ने किस कदर जनता की कमर तोड़ रखी है, किस कदर मध्यम वर्ग उससे दो चार हो रहा है आज की तारीख में, हम सभी जानते हैं। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। जब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जिसकी हम बात करते हैं, 80% ट्रांसपोर्टेशन आज भी मालवाहक वाहनों से होता है, यानी ट्रक और बड़े बड़े लोडर। अब जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हर किलोमीटर पर इनको ज्यादा रकम चुकानी होगी। डीजल का दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ी, सभी जानते हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं समझ रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहती। भाई महंगाई है, अब तो हमें कबूल करना ही पड़ेगा, कोरोना काल है। सरकार ने कह दिया है कि नहीं, इस वक्त हमें टैक्स की जरूरत है, आप टैक्स भरिए, प्रत्यक्ष कर भरिए, अप्रत्यक्ष कर भरिए, सरकार का खजाना भरिए, क्योंकि सरकार के पास काम ज्यादा है और उसके लिए रुपयों की जरूरत होती है। लेकिन वो पैसा आएगा कहां से? जनता की जेब से। आज हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर
कोरोना काल में, जिस कोरोना काल की दुहाई दी जा रही है, उस वक्त महंगाई का बोझ सिर्फ जनता के सिर पर ही क्यों? राजनेता, राजनीतिक दल, प्रदेश की सरकारें क्यों ये बोझ नहीं उठाना चाहती? क्यों अपने टैक्स में कटौती नहीं करती? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे आज हमारी चर्चा में जुड़े सभी मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसबी तिवारी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एसबी तिवारी जी हैं। एसबी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, जिन्हें आप कई बार, कई मर्तबा हमारे साथ देख चुके हैं, प्रोफेसर भूपेन तिवारी जी। भूपेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे अर्थतंत्र को कि आखिर ये बोझ जनता पर ही क्यों आता है। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सैयद मोहम्मद तकी भी जुड़े हुए हैं। तकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आपसे करना चाहूंगा। तिवारी जी, ये महंगाई का बोझ आखिर जनता ही क्यों उठाए? सरकार क्यों नहीं उठाना चाहती? क्यों टैक्स में कमी नहीं की जा रही? पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, ना सेस कम किया जा रहा है, ना फिर अपना टैक्स, ना प्रदेश सरकार ना राज्य सरकार कोई भी कम करने को क्यों तैयार नहीं? जवाब आप ही से चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं, और मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और ये जुनून है, ये निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि लीक ही लीक पर जो तू चलता रहा, ये तो सच है दूरी तय कुछ हो जाएगी, और पद चिन्हों को गर चाहते छोड़ना, पद चिन्हों को गर चाहते छोड़ना, पुत्रता शेरता काव्यता को धरो। तो भूपेन जी, मैं आपसे, भाई साहब आपसे, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं और आप एक एक बात को समझ सकते हैं। देखिए, कब जब तक हम अपनी नजरिया नहीं बदलेंगे, नहीं, सवाल आखिर जनता ही क्यों भुगते? देखिए, जनता पर ही मैं आ रहा हूं। मैं, मेरी बात को पहले ध्यान से समझिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, जनता आज निश्चित रूप से हमें यह सोचना है कि हमें किसके लिए ज्यादा सोचना। आज देखिए, सरकार जो है, इस लगभग 2 साल हो गया कोरोना का, कोरोना काल में आप जैसा कि समझ रहे हैं कि अचानक किसी चीज की आवश्यकता पड़ जा रही है, और आवश्यकता में सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनको सबसे आवश्यकता क्या है? भोजन की। आज सरकार ने जिस तरह से राहत पैकेज बीच बीच में दे करके और उनको संभाला है, आप सोच नहीं सकते हैं कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। और मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं कि अभी आने वाले समय में ये बात चल रही है, सुनने में आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी एसबी आएगी। कौन सा राहत पैकेज, किस राहत पैकेज की बात कर रहे हैं? 20 लाख करोड़ का पैकेज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था, कहां तक पहुंचा है, किसको लाभ मिला है? अगर आपको, आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है बताइए, कि आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आप जा करके देखिए, मतलब महंगाई है, आप जाके देखिए, महंगाई है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें नजरिया बदलना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारे ऊपर दैवीय कृपा है, हमें इसे स्वीकार करना है। देखिए, आप इस चीज को अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाके हम लोग, देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर गांव में जा कर के लोगों से मिलता हूं, मैं हमेशा कोई ना कोई राहत का कार्य और कैंप लगा के लोगों की सेवा करता हूं। सरकार, और मैं जा करके देखता हूं, लोगों से पूछता हूं। तिवारी जी, सरकार हमने क्यों चुनी थी? हाँ, सरकार हमने क्यों चुनी थी? सरकार हमने इसलिए चुनी थी आपने कि सबका भला हो सके। आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारा निचला तबका,
निचले तबके में जा करके देखिए कितनी खुशहाली है। आज किसानों की बात कर रहा हूं। कौन खुशहाल है? अरे कहां आप बात कर रहे हैं, कौन खुशहाल नजर आ रहा है? अगर खुशहाल नहीं होता तो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया, लोग पेट्रोल डला नहीं पा रहे, डीजल डला नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं खुशहाल है? परिवर्तन संसार का नियम है, इसी को समझिए। महंगाई हमेशा बढ़ी है और निरंतर बढ़ती चली है। सरकार जब सत्ता में आने से पहले तमाम वादे करती थी कि हम तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल। सुनिए पहले मेरी बात, आप 35 रुपए लीटर का दावा क्यों किया गया बताइए आप? आप जाइए 2009 से और 2014 की बात कर रहा हूं। उस समय हमारी GDP कितनी थी? 6.7। आज कितनी है? आज और 2014 से 19 के बीच में बता रहा हूं वो 7.5। आज भी देखिए बढ़ी है। तो देखिए कहने का मतलब ये है माइनस में पहुंच चुकी है तिवारी जी। अरे देखिए भाई साहब, अगर माइनस में पहुंचती तो आज राफेल हमारे पास नहीं होता, आज हमारे 20 स्तर वैश्विक स्तर पर मेरी पहचान नहीं होती। आप जरा नजरिया बदलिए, नजरिया बदलना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, आपने तो नजरिया ही बदलने की बात। बिल्कुल नजरिया बदलना पड़ेगा। देखिए कहा जाता है कि सोचने के सोच में संकोच ही तिवारी जी निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। आप बताइए क्या बात कही मैं, अब नजरिया बदलना पड़ेगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा नजरिया। चलिए नजरिया बदल लेते हैं। दो दृष्टिकोण होता है, एक दृष्टिकोण मैं लेकर चल रहा हूँ कि अर्थशास्त्री दृष्टिकोण क्या कह रहा है, मैं बस वही। दूसरा तिवारी जी का नजरिया वाला दृष्टिकोण भी मैं देख लेता हूँ। सरकार 60-40 का अभी जो मैं पिछले डिबेट में आया था जी, तो तब भी मैंने कहा था, फिर से बता दूं, सरकार 60-40 का रेशियो लेकर के चल रही है। 60-40 चल रहा है। 60% वे लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, 1000 रुपया उनको मिल जा रहा है, 1000-2000 रुपया मिल जा रहा है, उसके बाद वो खा रहा है और आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है। उसको कोई चिंता नहीं है, सरकार ने दिया 5 किलो पर हेड उनको अनाज मिल जा रहा है और बढ़िया आराम से उनकी जिंदगी कट रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 40% में 10% ऐसे लोग हैं जो हाई इनकम ग्रुप वाले हैं, जिनके ऊपर पेट्रोल आप 100 रुपए हो जाए, 110 रुपया हो जाए, 115 रुपया हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनको, इससे डीजल और पेट्रोल के लीज कीमतों से कोई मतलब नहीं। 30% में आप उनकी बात करिए जो किसान है, उनकी बात करिए जो व्यापारी है, उनकी बात करिए जो ट्रेडर्स हैं, जो आढ़ती है। समस्या कहाँ आती है? जब डीजल की दाम बढ़ रहा है और बरसात आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बरसात कहीं हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ के किसान जब धान की रुपाई करना चल रहे हैं तो 90 रुपया लीटर डीजल भाई साहब खरीदने में बहुत छक्के छूट रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मुश्किल ये होती है कि इसके बाद सिंचाई भी करना है, ये थोड़ी एक रुपाई कर दिया इसके बाद सब कहानी खत्म हो गई। अब उसी के बाद असली चुनौती शुरू होती है। तो वो धान की कीमत अब जहां पर जाकर के वो बेचेगा तो जितना वो लगा रहा बेचारा उतना पाता भी नहीं है, नंबर एक। ठीक है, दूसरी अब आइए जरा सा सब्जी मंडी में आइए। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आप ही ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से बढ़ता है। अरे भाई आप कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर तय हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तय होने से आप नीचे बढ़ा देते हैं। जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रक है, ट्रेलर है, बड़े लोडर्स हैं, वो तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े जो ट्रांसपोर्ट आपने शुरू किया था, एसी बैगन और एसी यहाँ का की काली मिर्च वहाँ और वहाँ की मिर्च वहाँ पर और टमाटर वहाँ से वहाँ तक, भाई साहब वहाँ पर तो केंद्र सरकार के हाथ में है ना, उसको तो वो सरकार कंट्रोल कर सकती थी। अगर वहाँ ना बढ़ाती तो सब्जी के दाम ना बढ़ते, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, इसके वजह से हर फूड आइटम्स के दाम बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। केवल फूड आइटम्स की बात मत करिए, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास पे। अच्छा तीसरी बात जरा सा आइए, याद करिए 2014 से लेकर के 2009 के पहले भी याद करिए, आप गैस सिलेंडर कितने में खरीदते थे? 450 में खरीदते थे। आज किस डेट में सरकार ने कहा हम DBT लाएंगे, DBT ला भी दिया। इसके बाद धीरे 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 करके सब्सिडी कब कम हो गई, 20-25 रुपए सब्सिडी आने सर 15 रुपए सब्सिडी मिलती है। हाँ वही मैं बता, आज की तारीख। अब समस्या है, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सबको बांट तो दिया सिलेंडर, लेकिन सवाल ये है कि अब इस सिलेंडर को भराए कहाँ से लोग? वो 1000 रुपया जो मिल रहा है उससे थोड़ी भरा सकते हैं। उस इनकम ग्रुप की बात करिए जो एकदम लोअर इनकम ग्रुप है, वो उस सिलेंडर को दोबारा भरा ही नहीं पा रहा है। नंबर दो, अब तर्क कहां पर है? हम तो सीधा सीधा एक चीज कह रहे हैं कि आप कह रहे हो इंटरनेशनल लेवल से प्राइसेस तय हो रही हैं,
रोज 35 पैसा 35 पैसा 35 पैसा, अरे रोज यात्राएं हो रही हैं रोज। ये तो आपने फॉरेक्स मार्केट कर दिया, फॉरेक्स मार्केट में जैसे डॉलर और उसकी कीमतें तय होती हैं उसी से आपने कोरिलेट कर रखा है। चलो हम वो भी मान लेते हैं कि आपने रुपए, लेकिन भूपेन जी सब बात तो यही है, अगर बढ़ रही है ठीक है, जब बढ़ती है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बढ़ क्यों रही है। सरकार का कहना यह है, कंपनियों का कहना यह है कि हम जो पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो हम डॉलर में खरीदते हैं, पेट्रो डॉलर में खरीदते हैं, और रोज डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है। तो इसकी वजह से हमारे जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है उसका असर हमारे क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर बढ़ता है, क्रूड ऑयल आज मान लो फॉरेक्स मार्केट से तय हो रहा है, लेकिन जब क्रूड ऑयल घट करके $30 पर आ गया था तो $18 तक पहुंचा है सर, $18। खैर वो तो बहुत पहले की बात हम कर रहे हैं, $30 पर जब था, आप उस समय की बात करिए, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इकट्ठे जब $30 से जैसे ही नीचे आया तैसे ही पर बैरल उन्होंने ₹7 per liter की बात मैं कर रहा हूँ, ₹7 per liter इकट्ठे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, और ये कहते हुए बढ़ाया था कि भविष्य में इससे जब कीमतें बढ़ेंगी तो हम कीमतों को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि इस एक्साइज को हटा देंगे, अभी सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है, अभी सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। नंबर एक बात, दूसरी चीज, अगर यही बात आप करते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस बढ़ रही है, हम वो भी मान लेते हैं, 2009 की बात करिए, और थोड़ा सा पहले चल लें, और थोड़ा सा पहले चलेंगे, क्रूड ऑयल की प्राइसेस $108 पर बैरल हुआ करती थी 2009 की बात कर रहा हूं, हाँ, 2014 तक $110 तक, $110 तक पहुंचा था, तब जब कीमतें बढ़ी थी केवल ₹1.50, स्मृति ईरानी जी पूरी बीजेपी सड़क पर थी, बैलगाड़ी से चल, याद करिए उस जमाने में जब 7 पैसे जब तेल की कीमत बढ़ी आज थी कहते हैं तो वाजपेयी जी संसद तक बैलगाड़ी से गए थे। 2014 के पहले जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी थी $108-$110 तक पहुंच गया था, तो पूरी बीजेपी सड़क पर थी और पूरा एकदम महंगाई बढ़ रही है। आज की डेट में तो अभी $100 भी नहीं पहुंचा है, अब बताइए कहां जाएगा। सवाल इस बात का है कि मिडिल क्लास को आप कितना चूसेंगे, कितना दुहेंगे। 2014 में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी जब 15 पैसे भी अगर बढ़ जाते थे पेट्रोल और डीजल के दाम तो सड़क पर आ जाती थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस तरह की कोई चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या वो सड़कों पर उतर रही है? तो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने कहां दिया, वो कहां गया, जनता किस हित में काम आया, कोई वहां पे उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। और दूसरी बात, लगातार पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में कम भी होते तब पर भी यहाँ रेट बढ़ जाते हैं, और सरसों का तेल जो हमारे देश में खुद पैदा होता है वो बेतहाशा आगे बढ़ रहा है, उसके बहुत रेट बढ़ जाते हैं, ₹200 लीटर तक बढ़ गया, ₹130 था नवंबर में, ₹70-80 उस पर जंप हो गया। तो ये लोग जो है भाई साहब, जो जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार बंद हो गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, जो परेशान है, जो अभी भी स्कूल की वही फीस दे रहे हैं, बिजली बिल पड़ रहा है, बहुत बिजली बिल दे रहे हैं, पेट्रोल का पैसा डीजल का पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उनको कहां से राहत मिले। रिपोर्टें जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है लोग अपने घर के सामान बेच के, जेवर बेच के, बर्तन बेच के, सब गिरवी रख के घर का खर्चा चला रहे हैं, और सरकार को जनता के ऊपर कहीं से भी तरस नहीं आ रहा है। सारी बातें सिर्फ मीडिया में हो रही है, अखबारों में विज्ञापन बड़े बड़े निकलते हैं, जनता को राहत नहीं होती, और
कोरोना की वैक्सीन भी देने में जब कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, कोर्ट ने इनसे कहा, तब जाके इन्होंने कोरोना की वैक्सीन जनता को फ्री दी और उसके बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए, सारे पेपर पे छाप दिया, सब जगह सड़कों पे लगा दिए, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए, लेकिन जनता को राहत कहीं से नहीं मिल रही है। न सरकार प्राइस कंट्रोल कर पा रही है, जो सरकार के हाथ में उसमें डिस्काउंट नहीं मिल पा रही है। ठीक बात है, क्रूड ऑयल महंगा है लेकिन टैक्सेशन तो सरकार कंट्रोल में ना, सरकार का टैक्स कम कर सकती है ना क्रूड ऑयल पे, क्यों नहीं उसको आप जीएसटी के दायरे में लाते, क्यों जीएसटी से बाहर रखा हो उसको, क्यों उसके ऊपर इतना टैक्स पड़ रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल जो है वो भारत में बिक रहा है, जहां लोग कोरोना की त्रासदी सबसे ज्यादा झेल रहे हैं वहां महंगा बिक रहा है। बिजली सबसे ज्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में है, 8 रुपए 7 रुपए यूनिट, और स्मार्ट मीटर और तेज चल रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर डबल जीएसटी भी लग के आ रहा है, कई जगह देखा गया है। तो सरकार हर मुद्दे पे, हर फ्रंट पे जनता को लगातार जो लूट रही है, परेशान कर रही है, उसको अलग अलग बहाने से ठग रही है, और इन्होंने हर जगह घोटाले किए, राम जन्मभूमि में घोटाला कर दिया, जो तीसरी कोरोना की लहर आ रही थी उसके दौरान जो उपकरण खरीदने थे उसमें भी घोटाला कर दिया। तो चौतरफा मार लगातार जनता को पड़ रही है, जनता बीमारी से परेशान है, कोरोना से परेशान है, नौकरियों से परेशान है, रोजगार से परेशान है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो जनता बेचारी कहाँ जाए, किससे कहे, किसको अपना दर्द सुनाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। भूपेन तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे अर्थशास्त्री, शायद उनके दिमाग में कोई चीज आई है। जी बताइए बंधुवर, आप लोगों ने दरअसल आप आम आदमी पार्टी से हैं, दिल्ली में तो आप ही की सरकार है, टैक्सेशन केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, आप टैक्स का स्ट्रक्चर समझिए। आप लोग क्यों नहीं दबाव डाल करके ये कहते हैं कि इसको जीएसटी के परव्यू में लाइए, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी के परव्यू में लाने के लिए क्यों नहीं, कोई सरकार नहीं चाहती है, कोई सरकार नहीं चाहती है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए, कोई नहीं चाहती। उसका कारण क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, सारे लोग वैट लगा रहे हैं और वैट ही सबसे बड़ा इस पर कमाई का जरिया है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, और ये कमाई का जरिया कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। अगर ये पारस पत्थर की तरह, अगर जीएसटी अगर हमने पेट्रोल और डीजल छोड़ दिया तो हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हमारे साथ हमारे एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, अभिषेक वाजपेयी जी, कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तकी जी मैं आपके पास आऊंगा, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं अभिषेक वाजपेयी जी। अभिषेक जी आप क्यों नहीं नजीर पेश करते, आपकी भी कई राज्यों में सरकार है, आप क्यों नहीं नजीर पेश करते हैं, आप वहां पर स्टेट टैक्स घटा दीजिए, कम कर दीजिए, तब आप कहिए कि हाँ अब आप केंद्र सरकार भी कम करे। देखिए आप हमें नजीर पेश करने की बात कह रहे हैं, हम कितनी बार नजीर पेश करते रहे, जिस जगह पे जरूरत रही हमने क्या महाराष्ट्र में पेश नहीं की या हमने राजस्थान में पेश नहीं की। अगर आप हमसे ही सारी उम्मीद करके बैठे हुए तो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद क्या करेंगे, जहां पे लगभग हर जगह पे उनके ही सरकार है। अभिषेक जी सवाल उन्हीं से है, नहीं देखिए देखिए सर देखिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सरकार आप अगर चाहो कि सरकार है, पार्टी हर एक चीज। देखिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तकी जी बैठे हूँ, मैं उनसे भी कहूंगा, यहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर महंगाई बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है तो आपकी तो जमीन तैयार हो रही है। एक देखिए, जमीन उसको तलाशने की जरूरत होती है जिसके पास जमीन कहीं पे ना हो, नंबर एक बात। हम ये जरूर मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संगठन कमजोर हुआ था, लेकिन आज प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है, नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, आज वो लोग कहां गए, जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी, सत्ता में आई थी, तब उसने क्या बोला था, आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आज ये आदत हो चुकी है कि जितने भी उसने वादे किए थे आज किसी भी वादे पे वो खरा नहीं उतर रही है। आप पेट्रोल से लेकर के अगर आप क्रूड ऑयल वगैरह की बात करते हैं, जिस समय हमें महंगा मिलता था उस समय हमने सस्ता दिया था, और सबसे बड़ी चीज आप इस चीज को देखिए, कोविड काल में क्या क्या चीजें थी गवर्नमेंट की, जाहिर मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कि ये हर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा भी कम कर दे तो जनता के ऊपर से बोझ कम होगा, लेकिन सिर्फ अकेले आप ये बात कांग्रेस के लिए आप नहीं कह सकते, कांग्रेस पार्टी हमेशा नजीर पेश करती रही है। सर आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं केंद्र में, अगर आप एक नजीर पेश करेंगे तो आप सवाल कर सकते हैं। गोवा ने नजीर पेश किया तो वो एक
अकेला राज्य थोड़ी था, अकेला राज्य उसने शुरुआत किया नहीं, लेकिन कहीं तो क्या महाराष्ट्र ने पेश नहीं की थी, क्या राजस्थान ने पेश नहीं की थी? राजस्थान में पेट्रोल सबसे समय की बात है, तब भी इसके पहले भी नजीर पेश की थी हमने, छत्तीसगढ़ में भी पेश की थी। वाजपेयी जी सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा राजस्थान में है, अगर आप बात कहेंगे लगभग जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप उसको बचाव में उतरना चाहते तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। देखिए हम बचाव में नहीं उतर रहे हैं, आप अभिषेक जी आप गलत राह पर जा रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, सिर्फ जी बताइए तकी जी। मैं कह रहा हूँ टैक्सेशन की रणनीति बनाना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है लेकिन उसके ऊपर क्या क्या टैक्स लगाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में स्टेट टैक्स है। जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें 1/3 जो वोटिंग राइट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, फाइनेंस मिनिस्टर और उनके दो नॉमिनेटेड मेंबर के पास, और 2/3 जो होता है वो स्टेट के पास होता है। 2/3 जो वोटिंग राइट होता है वो मैं जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, जीएसटी काउंसिल की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वैट पूरा का पूरा जो है वो स्टेट वैट लग रहा है इस पे। और मैं बता दूं आपको यूपी में तो 3% एंट्री टैक्स भी लगता है। और दूसरी चीज अगर हम एक ही जगह बात करें एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास है, वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेस जो लग रहा है वो केंद्र सरकार लगाती है, और जितने भी सेस आज तक लगे हैं वो हटे नहीं है जबकि लगाए कुछ ही दिन, चाहे वो वाजपेयी जी द्वारा लगाया गया वो सेस हो जो उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए लगाया था, इसके बाद एजुकेशन सेस लगा, उसके बाद अभी सरकार ने एग्रीकल्चर सेस लगा दिया, ये सब केंद्र सरकार लगाती है। कोरोना सेस वैट जो है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार के अधीन। एसबी तिवारी जी आपने मंत्रिमंडल विस्तार किया, मंत्रिमंडल में तमाम बदलाव किए, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनको भी आपने बदल दिया, अब क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बदलेंगे? देखिए पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बदलेंगे और नहीं सुन लीजिए पहले बात, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप पेट्रोल पर बार बार आ रहे हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे आपने मैं शुरू में बताया आपको कि नजरिया, और जब तक देखिए नजरिया नहीं बदलेंगे, सबसे बड़ी चीज देखिए क्या होता है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज हमारे देश को किस चीज की आवश्यकता है आप ध्यान ज्यादा देखिए सबसे बड़ी चीज, इंसान को दो वक्त की रोटी की जरूरत। बिल्कुल सुनिए मेरी बात, सिर्फ दो वक्त की रोटी, देखिए सम्मान महंगी कर दी गई है, सम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं खा पा रहा सम्मान का। श्रीमान महोदय सम्मान का करेगा क्या आदमी, उससे पूछिए जाकर के उसके लिए क्या सम्मान की बात आप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के घर पे दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, वो व्यक्ति जो ठेला लगाने के काम पे आ चुका है, वो व्यक्ति अगर आप सम्मान चाहते हैं कि जिसने एमबीए की डिग्री हासिल की हो आज वो ठेला लगाने के लिए उसने अपनी एजुकेशन लोन लेकर के बैठा था, कौन सा सम्मान की आप बात करते हैं? देखिए आप सम्मान अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे, वैश्विक स्तर मत बताइए सम्मान जी, सम्मान अगर लोगों का घर चलता है, आप दुनिया में जाके सर्वे करके देखिए इस बात को, दो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तो सम्मान के बारे में आपको बात करने का कोई अधिकार नहीं है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको सम्मान के लिए बैठाया नहीं था। अच्छा ये आपने उससे बात की थी कि रोजगार देंगे, आपने उससे बात की थी कि हर भूखे को निवाला देंगे, अच्छा सुनिए आपने दिया, सुनिए ये कोरोना काल आत्महत्या करता है, कोरोना बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करते हैं। मेरी बात सुनिए पहले, आपने कोरोना काल में कितने कहां पे जाके आपने सहायता राशि दी है बताइए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव-गांव में जा करके और जिस तरह से जो है राहत पैकेज बांटे आपको दिखता नहीं है, नाम से किटें दी गई, अगर इतनी आपके पास क्षमता हो तो जहां आपके शासन है वहां पे आप वैट घटा दीजिए, चीज को बताते सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में, बिहार चुनाव के टाइम पर क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी, आपको बात करने का अधिकार ही नहीं है। अभिषेक जी बात कह लेने दीजिए उनको जी, बोलिए सर। कह रहे हैं कि आपको तो बात करने का अधिकार ही नहीं, आप इतना बड़ा कोरोना काल चला, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के गांव गांव जाकर के और पूरे राहत की बातें की, अपने जितना भी क्षमता के हिसाब से बांटा, और आपने क्या राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इतना ज्यादा पैसा है कि अगर अगर थोड़ा सा उसका अगर 10% भी अगर देश के हित में खर्च कर दिया जाए तो आप जो है देश के लिए कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। कहां है, किस दुनिया में सो रहे हैं? पीएम केयर फंड का ऑडिट कौन करेगा? पीएम केयर फंड का हिसाब कौन देगा? क्यों हिसाब देने से मना कर दिया गया? पीएम केयर फंड का अगर आपके पास क्षमता है तो आप देखिए,
और आप जाके देखिए गांव में लोगों से मिलिए, सुनिए सुनिए, आप जा करके गांव में किसानों से मिलिए। आज कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने जो है किसान निधि के अंदर 6000 रुपया साल में दे रही है? किसानों की बात, कितनी योजनाएं क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा? पिछले 7 महीने से बॉर्डर पर कहां से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज ही बताइए, देश की विकास की सबसे बड़ी रीढ़ क्या होती है? रोड होता है। आज रोड की आप देखिए, कितने कहने का मौका मिलेगा आज? आज देखिए, जरा देख लीजिए कि 2009 से लेकर 14 के बीच में हर साल जो है 20,639 किलोमीटर रोड बनते थे। आज सुनिए, आज 44,389 किलोमीटर रोड बन रहा है। और अभी 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 कल की बात मैं बता रहा हूँ, बचा ही नहीं है। अरे भाई साहब, इंसान पेट्रोल डला नहीं पा रहा है रोडों पे, क्या होना शुरू में ही पूरे डिबेट को मैंने इसीलिए पहले शब्द कहा कि नजर नहीं नजरिया बदलिए। तो जब तक आपका चश्मा नहीं उतरेगा ना सर, एक चीज मुझे बताइए, दिखेगा ही नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त की गई? कुछ नहीं, आपको खरीद फरोख्त नहीं हुआ? कुछ भी खरीद फरोख्त नहीं, कुछ नहीं हुआ? कहाँ हुआ? 67 जिला पंचायत, अगर 67 अगर खरीद फरोख्त हुआ होता तो बाकी के जो जीते हुए हैं वो लोग कैसे हो? 67 जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ से आ गए? आपके जिला पंचायत सदस्य कितने थे? आपके जिला पंचायत सदस्य कितने? जिला पंचायत सदस्य आप जाकर के देखिए कितने थे। आंकड़ा तो नहीं हम एक एक दे पाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए, आपके जिला पंचायत सदस्य 300 के करीब थे। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर बढ़त हासिल की थी, आपने समाजवादी पार्टी के खेमे में जाकर देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और कुछ नहीं। खंभा नोचने वाली बात नहीं, बिल्कुल। ये पैसा कहां से आ रहा है जब खरीद फरोख्त होती है? उस भाई साहब, मैंने फिर कह रहा हूं कि अपना नजरिया बदलिए, नजरिया बदलना पड़ेगा आपको। आप लोगों को दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँ उसके लिए? चाहे 2015 आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी वक्ता से। जी तकी जी बताइए। हाँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि लगातार सरकार जो है वो हर चीज की कीमत बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल गेट बढ़ रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, ऑयल महंगा हो रहा है, टोल टैक्स महंगा किया जा रहा है, नंबर प्लेट बदल ली गई है, हर तरह से सरकार जो है वो पैसा कमा रही है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो है राहत पैकेज देने के लिए पैसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 4 लाख का कंपनसेशन दीजिए हर व्यक्ति को जिसने अपनी जान खोई कोरोना में, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सरकार 15-16 हजार करोड़ रुपए नहीं दे पाई, तो इतना पैसा जो सरकार जो कमा रही है, इतना पैसा जो उगाही हो रही है, पैसा जा आ रहा है, वो पैसा कहाँ पड़ रहा है? तो सरकार जो है कह रही है पैसा नहीं, हाथ खड़े की दे रही है। और जो राहत पैकेज जो अनाउंसमेंट होते हैं, वो पैकेज कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, उसके ऊपर जनता तक को तो पैसा नहीं मिल रहा। आजकल जितने भी लोग आप पूछिए, गांव में जाके देखिए भी, गांव में लोगों से मिलिए, तकी जी गांव में जाके लोगों से मिलिए, बात करिए। गांव में लकड़ियां नहीं मिली, आप शव वाहिनी गंगा हो गई, लोगों को कफन नहीं नसीब हुआ गाँव में कोरोना के दौरान, क्या इलाज मिलिए? ये महामारी की बात न करिए, महामारी पे जिस तरह से भाजपा ने पूरे विश्व में जो मिसाल पेश की है वो आप उसको देखिए, आपको देखना पड़ेगा। आपको जब नजर नहीं आ रहा तो आज भारत पे था, भारत सबसे खराब देशों में जिसने कोरोना मैनेज किया है, उन 4-5 देशों में भारत का नाम है। और सिंगापुर, इसकी आबादी बहुत कम, उसने बहुत अच्छे से कोरोना से लड़ा। न्यूजीलैंड ने कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ा, ताइवान ने बहुत अच्छे से लड़ा। इतना बड़ा भारत है और मोदी जी ऐसा व्यक्ति तो ही है जो इसको संभाल लिया। कंट्रीज में से 150 कंट्रीज है, 160 कंट्रीज है कोरोना से अच्छे से लड़ा। हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। नहीं नहीं, इससे बुरे नहीं होंगे। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे सामने थी नहीं या आने वाली थी, आप उसकी नजीर पेश कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम ना होते तो ना जाने कितना बुरा समय आ जाता। बिल्कुल। अर्थशास्त्री हमारे साथ भूपेन तिवारी जी। तिवारी जी, 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, ऐसे काम चलेगा क्या? 3 करोड़ 24 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गरीबी नीचे। नहीं, मैं एक सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, अब तो आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं ना। 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। भूपेन जी, डेटा को नहीं कोट कर सकता, बिल्कुल तो अनऑफिशियल डेटा है, वो आप लोग राजनीतिक दल से हैं, उसको आप लोग कोट कर नहीं, अनऑफिशियल डेटा नहीं, मैंने पेपर में पढ़ा हुआ है भाई साहब। 3 करोड़ 30 मिलियन भाई साहब, वो डेटा हम नहीं कोट कर सकते हैं ना, आप लोग राजनीतिक पार्टी के हैं, आप लोग कोट कर सकते हैं, हम कोट करेंगे तो हमारा ऊपर केस हो जाएगा। अरे हमारा ऊपर केस हो जाएगा भाई साहब, आप सोचिए। इशारों में पूरा ठीक है तिवारी जी, आपकी तो समझिए, हम उस
डेटा को नहीं कोट कर सकते हैं। हमको बचाने के लिए ना लल्लू जी धरना देंगे और ना वाजपेयी जी आएंगे और ना तो तकी साहब आप निश्चित रहिए, हम सब लोग जरूर आएंगे आपके साथ, आप सिर्फ सच के साथ रहिए। सवाल यही है, सवाल यही है तकी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा तकी जी, आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। तिवारी जी, भूपेन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, ये स्थितियां वाकई में मतलब दिल दहला देने वाली हैं, ऐसे कैसे काम करेंगे? मैंने यही आपसे कहा कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के ऊपर मार पड़ती जा रही है, और ये जो टैक्सेस का बोझ है, ये टैक्सेस का बोझ अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ता है? कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, और ये कंज्यूमर वो नहीं है जिसकी 60% मैंने शुरुआत में बात करी, ये 40% वो कंज्यूमर है जिसमें से 10% इलीट वर्ग को अगर निकाल दीजिए, जो एकदम हाई इनकम ग्रुप वाला है, तो 30% इस मार को झेलता है हमेशा। अब रही बात की सरकार के अगर ये कहना है कि ये हमारा कलेक्शन बढ़ रहा है, नजरिया बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा? आप एक चीज समझिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो कौन सा सेक्टर हुआ है? सर्विस सेक्टर हुआ है। सर्विस सेक्टर किस चीज का प्रयोग करता है? डीजल का प्रयोग करता है। अरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन कौन है? सर्विस सेक्टर। होटल डीजल का प्रयोग करता है, बिजली का प्रयोग करता है भाई साहब। इसके बाद होटल में अगर फूड आइटम्स के दाम बढ़ेंगे तो होटल को हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात, एविएशन में फिर अगेन फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं तो एविएशन पे मार पड़ रही है। अब इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री की जरा बात करिए, ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी की मार इनके ऊपर पड़ रही है। अब इसके बाद आइए जरा एग्रीकल्चर सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसके मार से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि हम अपने टोटल कंजम्पशन का, जितना टोटल हम पेट्रोल और डीजल कंज्यूम करते हैं, मोर देन 60% हम इंपोर्ट करते हैं, लेस देन 40% हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। अब मजबूरी ये है कि अगर आपने इसको इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फॉरेक्स मार्केट से अगर इसको रिलेट कर दिया तो रोज का रोज तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन मुश्किल यही है कि बढ़ेगा तो, लेकिन घटेगा कब? घटेगा, घटाना भी तो चाहिए ना। अगर प्राइसेस घट रहे हैं तो सवाल चाहिए। सवाल ये भी है ना, जब डिमांड ही नहीं है तो पहिया घूमेगा कैसे? नहीं देखिए, ऐसा है कि डिमांड तो है, क्योंकि क्रूड, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमारी इकोनॉमी में एज ए ब्लड सर्कुलेशन है, उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। नहीं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल की जरूरतें नहीं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। हमारी इकोनॉमी में तभी रफ्तार आएगी ना जब डिमांड होगी। यस, मैं वही एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आना चाह रहा था। मुश्किल क्या हो रहा है, जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर क्या पड़ेगा? डिमांड घट जाएगा। जैसे कोरोना काल में डिमांड घटा, तो जब डिमांड घटा तो स्वाभाविक रूप है सेल घटेगा और आपका प्रोडक्शन भी घटेगा। इससे क्या होगा, जीएसटी कलेक्शन आपका घट जाएगा। अब फिर आपका रोना शुरू हो जाएगा कि जीएसटी कलेक्शन, जैसे आप अभी आपने रिसेंट डेटा देखा होगा, मार्च इस महीने में, अभी मार्च के बाद सबसे कम लेस देन 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये इसका, अब आप ये कह दो कि ये केवल केवल कोरोना के वजह से हुआ है। अगर कोरोना के वजह से हुआ था तो पहला जो लॉकडाउन था वो तो और ज्यादा लॉकडाउन था, वो तो वहां तो कंप्लीट लॉकडाउन था, 1 महीने का था, तब आपका जीएसटी कलेक्शन उतना नहीं गिरा जितना आज की डेट में गिरा है। तो ये कंप्लीटली केवल कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसके ऊपर बढ़ती महंगाई का बोझ और लोगों की बेरोजगारी और साथ ही साथ लोगों की घटती इनकम, दोनों का असर पड़ा है। तब जाकर के ये इकोनॉमी अब रिसेशन में जा रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रिसेशन में जा रही है, तब आप तो रिकवर कर ले गए, लेकिन इस रिसेशनरी फेज का असर बड़ा लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है वाजपेयी जी। जी, आरोप लगते रहेंगे, सरकारें आई जाएंगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में कब लाया जाएगा? देखिए, हम सब भी चाहते हैं कहीं ना कहीं ये आना चाहिए, सरकारें ही नहीं चाहती हैं, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां चाहती नहीं हैं। नहीं, मैं आपको इस बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि देखिए, जनता से लेकर के हम सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ कई सारे ऐसी दुविधाओं में गवर्नमेंट फंसी हुई होती है कि जिसमें वो जीएसटी के दायरे में नहीं ला पाती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी पैमाने पर बात करेंगे तो पेट्रोलियम से रिलेटेड वो चीज आ ही जाएगी। और अगर आप देखिएगा तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में, जब जब बीजेपी सरकार में आई थी,
तो उसने बोला था कि तकरीबन स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी, तो क्या वो हुआ? नहीं हुआ। उसने अपने संकल्प पत्र में 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, क्या वह हुआ? नहीं हुआ। मनरेगा कर्मियों को रोजगार पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी, क्या वह हुआ? नहीं हुआ। अगर हम इस तरीके से गिनाते चले जाएंगे, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीजें। मैं एक छोटा सा, और अभी तिवारी जी किसानों की बात कर रहे थे तो मैं इनको याद दिला दूं कि हर खेत पानी पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान सिंचाई फंड का वादा किया था, सरकार ने आपके वादा किया था, ये किसी और ने वादा नहीं किया था, क्या ये आपने दिया? संकल्प पत्र में आपने बोला था कि बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त इलाकों में पाची पानी पहुंचाएंगे, आप पहुंचाए? नहीं पहुंचा पाए, इवन आपने वहां पे बेदर्दी से घोटाला कर दिया। और नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन वेतवा नदी का काम करने का वादा किया था, क्या आप कर पाए? गिनाने चालू करूंगा तो गिनती कम पड़ जाएगी। तिवारी जी, आपको ये देखना चाहिए कि आज आप भागते हैं लोगों से किए गए वादों को, जो आपने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं तक आप नहीं दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आपने अपनी आंखों पर जो चश्मा पहन रखा है वो धार्मिक चश्मा पहन रखा है और कट्टा बम बारूद का चश्मा पहन रखा है। लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर आपकी सरकार जीरो हो गई। देखिए वाजपेयी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। बिल्कुल, आपकी आपका हाथ जोड़ कर लत वही पड़ी हुई है जिससे आपको हर जगह ऐसा ही दिखता है। माफ, मुझे पहले ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे नेता आप मिले जिसने सम्मान पूर्वक इस बात को माना। सुनिए, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको मैं आपका चश्मा उतारना चाह रहा हूँ। ठीक है तिवारी जी, आपके पास आएंगे। तकी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि हम जनता को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक दोहा था कबीरदास जी का, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है हाल फिलहाल के परिवेश को देखते हुए। वो है कि लोकतंत्र कहे बीजेपी से तू क्या रोंदे मोए, लोकतंत्र कहे बीजेपी से तू क्या रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ये लोकतंत्र है, ये बदलता रहता है और जनता जो है अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेती है और जनता इस वक्त बहुत परेशान है। हमें जनता की बात ज्यादा करनी चाहिए। आपने देखा अभी आप कह रहे थे, लेकिन मैंने पेपर में खुद पढ़ा हुआ है, ऑफिशियल पेपर में पढ़ा है, 24 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं। 97% आबादी की तनख्वाह जो है इनकम कम हो गई है, इंपैक्ट पड़ा है सबकी इनकम पे, 97% आबादी के इंपैक्ट को। और आपने देखा कोरोना जो है कितना तेजी से भारत में फैला है, 4 लाख लोगों से ज्यादा मौतें हो गई, 3 करोड़ लोग कोरोना से एक्टिव हो गए हैं और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, 1 करोड़ इस बार गई हैं, पिछली बार भी 2 करोड़ नौकरियां गई थी, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। और अगर आप और सरकारों को देखिए, अगर आप विश्व में और सरकारों को देखिए तो और सरकारों ने जनता के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया है, उनको पैसा दिया और कहा है आप कनाडा देख लिए, आप न्यूजीलैंड देख लिए, आप साउथ कोरिया देख लिए, इकोनॉमी को फ्रांस देख जर्मनी देख लिए, इकोनॉमी को रिवाइज करने के लिए उन्होंने जनता के अकाउंट में पैसा दिया और कहा आप पैसे को लीजिए और बाहर मार्केट में खर्च करिए ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके, लोगों के हाथ में पैसा देना होगा। लोगों की बैंक आखिरी सवाल क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, अभिषेक जी फाइनल कमेंट। सरकार कह रही है कि हम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए सरकार इस समय कोसों दूर है, वो जनता की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना ही नहीं चाहती। और इस समय अगर आप सरकार से आपने कहीं जनता के मुद्दों पर बात कर ली तो आप सबसे बड़े गुनहगार होंगे, हो सकता है आपके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाए। ये सब इस समय सरकार की नीयत है। और एक सबसे बड़ी चीज आप इस समय देखिए, सरकार उन मुद्दों से भाग रही है जिसमें सरकार जब इस समय आई थी तो उसने जो वादे किए थे, अपने वादों को निभाने में वो नाकाम रही है। 2022 में उसको पता चलेगा कि प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में 30 साल बाद वापस कांग्रेस एंट्री करने जा रही है। दिल्ली बहुत दूर है, आप बताइए तिवारी जी। मैं जाते जाते महंगाई आपके लिए क्या कोई मुद्दा ही नहीं है? महंगाई आपके लिए क्या कोई मुद्दा ही नहीं है? मैं जाते जाते अपने पैनल पे बैठे हुए सभी मित्रों से, चूंकि तकी जी ने एक दोहा सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए तो मैं आपको शायरी होती रही, सुन लीजिए, बहुत काम की बात कर, ज्यादा ही शायराना हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या सरकार के लिए महंगाई कोई मुद्दा रह ही नहीं गया? अरे मैंने तो बताया ना कि आप जब किसी चीज को थोड़ा उसके दूरगामी परिणाम को देखेंगे, आप जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ कितना समय चाहिए, कितना समय लगेगा? समय कुछ नहीं, समय अभी देख लीजिए,
अभी परिणाम आपको सामने है, अभी देख लीजिए, दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट आ सकता है देश में, तो क्या ये बताइए कि हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनको राहत पैकेज नहीं चाहिए? कहाँ से आएगा आप बताइए, सरकार के पास कौन सा ऐसा सोर्स है? झुग्गी झोपड़ी वाले ही आपकी आपके टारगेट पर? नहीं, टारगेट पर सब है, पूरा मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। हमारा जो आज का भारत मिडिल क्लास व्यवस्था, मिडिल क्लास के लिए क्या है? यहाँ सपा का तेजी से फैल रहा है, देखिए टैक्स के जरिए सरकार सबसे ज्यादा पैसा भारत में कमा रही है, चाहे पेट्रोल टैक्स हो, डीजल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, हर आदमी टैक्स के। लेकिन आप उसके दुर्गामी परिणाम को भी देखिए कि देश कहाँ पहुंच रहा है। तक जी बीड़ी पीने वाला मजदूर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, सिगरेट पीने वाला आदमी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, दस देसी ठर्रा पीने वाला आदमी टैक्स दे रहा है, उसके बाद भी सरकार जो है लोगों को राहत पैकेज नहीं दे पा रही है। अरे अब राहत पैकेज आपको दिख ही नहीं रहा है तो कोई क्या करे? आपको आप तो बिजली में फंसे हुए हैं, झूठे लुभावने देते रहते हैं कि हम बिजली कम कर देंगे, आपको इसका लाभ तो दिखता है। बहुत सारे किए थे तिवारी जी, वादे तो आपने भी बहुत सारे किए थे, एक-एक वादे पर खरे उतर रहे हैं। आपने 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल की बात की थी, आपने जब 400 रुपए सिलेंडर था उसमें अगर हमने ये भी कहा था, सुनिए, 20 रुपए हमने ये भी कहा था कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, 20 रुपए अगर दाम बढ़ जाते थे तो आप सड़कों पर आ जाते थे। आज जब जनता त्राहिमाम कर रही है तो आपको वो महंगाई नजर नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं नजरिया बदल गया। -7.2 पहुंच गई थी कोरोना के दौरान, माइनस में चल रही जीडीपी। अरे हमने ये भी वादा किया था कि हम भारत को दुनिया में एक आदर्श भारत प्रस्तुत करेंगे, और देखिए प्रस्तुत हो रहा है, आप अपना नजरिया बदलिए, मुद्दे से ही भटक जाते हैं। अरे नजरिया भूपेन तिवारी जी भूपेन तिवारी आप क्या बताएं, वही कह रहे हैं सरकार के जो खर्चे हैं वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। भरे कोरोना काल में जब कोरोना चरम पर था, सेंट्रल विस्टा का काम बिल्कुल नहीं रोका गया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं इकोनॉमी में जो सरकार को ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं, यहाँ पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल आप भूपेन जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए इसमें आपके फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, फेवर की बात नहीं, इकोनॉमी की बात होती है, मैं उसी को कर रहा हूँ। इकोनॉमी में देखिए, ना तो हम अमेरिका हैं ना तो हम ब्रिटेन हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में लोगों को पैसा बांटा गया और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहां पर इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट किया गया। बिल्कुल सही है, हम भी इंजेक्ट करते हैं, हम इंजेक्ट कर रहे हैं अनाज दे करके और कुछ। मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अरे मुझे ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा, बात तो सुन लीजिए जी। देखिए इकोनॉमी की जो जरूरत पड़ती है वो इकोनॉमी में ये होता है कि इंजेक्ट करने के लिए कभी कभी इकोनॉमी रिसेशन में है, माइनस में है, अगर हम पैसा इंजेक्ट करेंगे तो कहां करेंगे? सेंट्रल विस्टा के काम को अगर रोकना है, ये सरकारी मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन निगेटिव इकोनॉमी को निकालने के लिए आपको इकोनॉमी में मनी कहीं ना कहीं से इंजेक्ट करना पड़ेगा। आप 1929 की बात करिए जब पूरा वर्ल्ड रिसेशन में था, उस समय एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे कीन्स। कीन्स ने कहा था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, सरकार ने कहा और अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारे पास तो सब कुछ है। उन्होंने कहा कि आप अस्पताल स्कूल बनवाइए, उन्होंने कहा भाई हमारे पास सब कुछ है। उन्होंने कहा एक काम करो, गड्ढे खुदवाओ और गड्ढे भरवाओ, लेकिन बट यू हैव टू गिव द एम्प्लॉयमेंट। तो भैया ऐसा है कि इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करने के लिए अगर आपकी इकोनॉमी निगेटिव जा रही है, उस निगेटिव इकोनॉमी को वहां से निकालने के लिए और बल्क में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बल्क में, ध्यान रखिए मैं बात जो कर रहा हूँ, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो कंजम्पशन सेक्टर में होते हैं, जो इकोनॉमी को बूस्टिंग देनी होती है वो हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, और हेवी इन्वेस्टमेंट देने के लिए अगर आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां प्रोडक्शन ना बढ़े। आप कहेंगे एक बड़ा उद्योग लगा दो, उद्योग लगाने पर दिक्कत क्या होती है कि बल्क इन्वेस्टमेंट होता है, हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है तो उससे ज्यादा डिमांड कैपेसिटी बढ़ जाती है, और डिमांड क्रिएट हो जाती है फिर उसके लिए फिर वही समस्या आ गई, फिर वो रिसेशन। तो इसलिए ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर प्रोडक्शन तो बढ़े, इंजेक्ट तो हो मनी, लेकिन प्रोडक्शन ना बढ़े और डिमांड अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो। तो यहां पर सेंट्रल विस्टा के काम को उस समय रोकना गड़बड़ था। हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी निगेटिव थी,
उस समय आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा के अलावा क्या कोई और तरीका बिल्कुल है? आप इस चीज को आप स्वीकार करेंगे इस चीज को? बिल्कुल, उस समय मैं नितिन गडकरी जी की एक सब चीज से सहमत हूं कि उन्होंने उस पूरे कोरोना काल में अगर स्वर्णिम ये आपके सिक्स लेन या एक्सप्रेस हाईवे या इनके काम को रोक दिया होता तो इकोनॉमी जो आपकी 0.23.99 थी माइनस में, वो कहीं और ज्यादा जाती। ठीक है, उस समय ये प्लस पॉइंट था सरकार के द्वारा उठाया गया, ये अच्छा कदम था। देखिए, जो अच्छा है उसको अच्छा कहिए और जो खराब है उसको खराब कहिए। अब खराब क्या है भाई? ये मुद्दा क्यों नहीं आज तक विपक्ष क्यों सोया हुआ है भाई? विपक्ष के मुख्य एजेंडे में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई क्यों नहीं आ रही है? जिस तेजी के साथ और जिस प्रेशर के साथ 2014 में इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने उठाया था, आज उसी प्रेशर और उसी जोश के साथ कांग्रेस, सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी सब क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि इनकी अपनी पूंछ दबी हुई है। अगर आम आदमी पार्टी उठाएगी तो लोग कहेंगे दिल्ली में, आप देख लीजिए। कांग्रेस उठाएगी तो कहेंगे पंजाब, राजस्थान से लेकर के पंजाब। अरे भाई हम तो कह रहे हैं बाकी यही, इसीलिए ये लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है तभी जी, 2014 से पहले जिस तरह के हालात थे, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को जिस तेजी से उठाती थी, आप उस तेजी से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही, धरना कर रही है, रोजगार का मुद्दा उठा रही है, करप्शन का मुद्दा और उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, राय दिन आम आदमी पार्टी की रैलियां भी हो रही है। लेकिन कई वजह जवाब ऐसी, इसकी वजह से ये मीडिया के जरिए ज्यादा दिखता नहीं है या कुछ ऐसा है कि इसको दिखाया नहीं जा रहा है। लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। आप देखिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी में अलग अलग मुद्दों पे, जनता जुड़े मुद्दों पे लगातार होती है, लगातार इस मुद्दों को हम उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन भी देते रहते हैं। लेकिन सरकार ने जो है धरना आपको देने नहीं देती, धरना सब पे बदल दिए है, वहां पुलिस अति लगा दी है, लोगों को धरना करने नहीं देती। अब तो धरना करना भी बीजेपी की सरकार के अंदर जो है अपराध जैसा हो गया है लोकतंत्र के अंदर। तो ये जो जनता का जो एक वो है, ये अलोकतांत्रिक तरीका है कि लोकतंत्र को दबाना चाहती है, आवाज को दबाना चाहती है, उसकी वजह से विपक्ष जो कर रही है वो दिखाई भी कम देता है लोगों को। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, इससे पहले विपक्ष ने इतना ज्यादा किसी को दबाया नहीं, जो सड़क पे आ जाते थे विपक्ष ने क्या किसी ने इनको अलग करते थे क्या? इनको फौरन जो है लाठीचार्ज हो जाता था? नहीं होता था, ये लोग बैठते थे, करते थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आज की डेट पे आप जीपीओ पे कहीं सड़क किनारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इतनी पुलिस इतनी सीआरपीएफ इतनी सभी लगा दी है कि फौरन उठा के लोगों को लाठीचार्ज कर देते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं और लोगों के ऊपर एनएसए लगा देते हैं, गंभीर धाराओं में आरोप लगा देते हैं। ठीक है, एसबी तिवारी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, और दूसरी बात, जिन मुद्दों को विपक्षी पार्टियां उठाती हैं आप उनको उठाने नहीं देते, आप उनको दबा देते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि वेदाहमेतम पुरुषम महत्तम आदित्य वर्णम तमसो परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतम नान्याह पंथा विद्यते आयनाय। इसको आप लोग समझ लीजिए, यही मैं कहा शुरू से और लास्ट में मैं डिफेंड करके और आप डिबेट को ख़त्म करने का आपका समय हो गया। जैसे आपने कहा है, हमें अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। और देखिए, मोदी जी को सारी चीज़ें दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला है कि देश, अगर हमारा देश विश्व में सम्मान पाएगा, और जैसा कि हमारे भाई साहब कहे हैं कि अमेरिका की बात करें, तो क्या मेरे भारत की कभी ऐसी लालसा नहीं है कि हम अमेरिका जैसा बने? क्या ऐसे ही इसी मुद्दे पर इसी तरह की छोटी छोटी चीजों में हम उलझते रहेंगे? यानी पेट्रोल डीजल महंगाई बहुत छोटे मुद्दे हो गए, हमें भी अमेरिका बनने का अधिकार है, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तकी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेन तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। एसबी तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लबोलुआब पूरी तरह से इस डिबेट का सिर्फ यही निकल कर आया है, क्योंकि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ यही कहना था कि आप अपना नजरिया बदलिए, लेकिन सवाल वही है, आम आदमी की परेशानियों को सुनेगा कौन? आखिर कब पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर ना तो विपक्षी पार्टी हमलावर है और ना ही सरकार। ये पूरा बोझ सिर्फ आम जनता के कंधे पर डाला जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव का वक्त आएगा,
2022 और 2024, क्या उस वक्त भी इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं? ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।